अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरह से पेमेंट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे और लाइव करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद देखिए, नॉर्मली हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो यहाँ पर ही वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी का ही पेमेंट का लिए हम लोगों को करना पड़ता है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे नॉर्मली आप ऑल ओवर इंडिया में आपको खाली यहाँ जाके सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑनलाइन व्हाट। तो देखिए, हैदराबाद, उड़ीसा, ऑफर कोलकाता, तो हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिंक दे देगा। ये पहला लिंक है, इसमें हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला जो साइट है ये अपडेट होने के बाद ऐसा आया है, तो दोनों एक ही बात है, कहीं से भी जा सकते हैं। अब यहाँ जाने के बाद सबसे पहले अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर्ड कर लीजिए यहाँ से कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन, और मैं पुराना हूँ इसलिए कंज्यूमर लॉगिन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ हमको यूज़र नेम देना है, यहाँ हमको पासवर्ड देना है। तो यूज़र नेम ऑलरेडी हम यहाँ सेव करके रखे हैं, यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ हमको पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड है पासवर्ड देने के बाद देखिए यहाँ पर न्यू यूज़र और फॉरगेट पासवर्ड भी है। न्यू यूज़र जो रहेगा यहाँ से रजिस्टर पहले करेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा, पासवर्ड देगा, उसके बाद लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद ये होम पेज खुल जाता है। ये हमारा होम पेज है, देखिए मोहम्मद सब्बीर के नाम से हमारा नंबर, एड्रेस वगैरह सब है। ठीक है, हमको बिल पेमेंट करना है तो हमको यहाँ से पे बिल में जाना है। पे बिल में जाने के बाद ये देखिए, ये सितंबर महीने का इतना ड्यू है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट भी दिखा रहा है 23/9/2016। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ही आप कैसे बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग से, एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। तो आपका पास, सबके पास डेबिट कार्ड होता है, कोई भी SBI का, एक्सिस बैंक का, कोई भी। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एग्री कीजिए और कंफर्म कीजिए। तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल भरना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डेबिट कार्ड का डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पे मंथ भर लेते हैं, वो आपका डेबिट कार्ड में ही होगा। यहाँ पे एक्सपायरी वैलिड अप टू, आपका डेबिट कार्ड कब तक का वैलिड है इसको भर लीजिए। ठीक है, और ये जो है CVV नंबर आपका कैट का, माने डेबिट कार्ड का बैक साइड में ही होगा, लास्ट 3 डिजिट जो है वही भरना है। तो हम लोग भर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो नाम है कार्ड के ऊपर एज इट इज़ नाम हम लोग लिख लेते हैं। लास्ट में ये हमारा बिल, कुछ चार्ज लगता है, सर चार्ज वगैरह मिल के 1152 रुपया, और हमारा जो बिल था 1141 का था, तो 1152 रुपया का हमको पेमेंट करना है। तो इसको क्लिक करते हैं, ये प्रोसेसिंग में है, यहाँ देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। एक्चुअली आपका नेट स्पीड सही हो चाहे ना हो, सही होने के बावजूद भी अगर लेट होता है तो घबराइएगा मत,
वो इन लोगों का सर्वर का भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे सर्वर का भी प्रॉब्लम होने से थोड़ा सा टाइम लगता है। ये यहाँ पे 1152 रुपये का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो अभी प्रोसेसिंग में है। इसके बाद हमारे फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट साइट, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। हाँ, पेज को रिफ्रेश मत कीजिएगा भूल से भी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी हमारे फ़ोन में। तो यहाँ पे ओटीपी हम लोग डाल देते हैं। ये ओटीपी हम लोग यहाँ डाल देते हैं। और सबमिट कर देते हैं। फिर से प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। और हमारे इसमें मैसेज भी आ गया कि आपका थैंक यू फॉर यूजिंग SBI कार्ड, और आपका 1142 रुपये का जो पेमेंट था वो हैज़ बिन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक आ रहा है, ये वाला पेमेंट कैन नॉट बी मेड। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम भी, लास्ट मंथ में भी इसी तरह से आया था, लेकिन जब हम चेक किए थे तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था। अब यहाँ पे बिल ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री में अगर हम चलते हैं तो यहाँ से देखिए ट्रांजैक्शन रिसीट बोल के इसको व्यू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पेमेंट हो गया, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा ऑलरेडी पेमेंट सब एक जगह हम रखे हैं, तो इसको हम लोग डाउनलोड करके रख देते हैं सितंबर वाले बिल में। ये हमारा पेमेंट हो गया। अब वो जो एक मैसेज आया था कि पेमेंट नॉट मेड, ये वाला मैसेज, तो ये वाला जो मैसेज है, ये वाला लास्ट टाइम भी आया था, उन लोग का सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो गया लेकिन हमारा पेमेंट हो गया। तो इसको देखने के लिए देखिए, लास्ट टाइम जो हम बिल पेमेंट किए थे 1141 रुपया, ठीक है। यहाँ पर ही हम लोग चलते हैं, इसको व्यू करते हैं। देखिए ये वाला 22/8 का है, अभी हम लोग पेमेंट किए हैं 22/9 का, तो 22/8 का जो है इसको हम लोग व्यू करते हैं। ये देखिए, ये पेमेंट हो चुका था, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री में अब जाइएगा तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट और ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है। एक आध घंटा में ये वाला अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, व्यू बिल समरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो हमको देखिए उन लोगों का, हम लोग लास्ट टाइम 22/8 को पेमेंट किए थे लेकिन उन लोग का सर्वर में अपडेट हुए थे 24/8 को, ठीक है। ये देखिए, तो हम लास्ट वाला अगस्त का बिल अगर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं तो लास्ट पेमेंट का हिस्ट्री हमको दिखा देगा। ये देखिए, ये अगस्त महीना में हम लोग पेमेंट किए थे। ये देखिए यहाँ पे एज़ पर ऑर्डर इतना इतना था, लास्ट पेमेंट कहाँ, यहाँ लास्ट पेमेंट डिटेल अमाउंट रुपीज़ 1141 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। तो आप लोग भी ऑनलाइन पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।